हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र। और जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि मैं हमेशा से क्या है, एक आईटी इक्विपमेंट पे टेक्निकल वीडियो लाता हूं। ये मेरे पास दोस्त ऑनलाइन यूपीएस की बैटरी है, 12 वोल्ट 36 AH की, 26 AH की बैटरी है दोस्त। एक साइड का देख सकते हैं, एक साइड पावर सेफ प्लस का है, 26 AH की बैटरी है 12 वोल्ट का। ये बैटरी को हम किस तरीके से चेक करेंगे, इसके अंदर क्या है दोस्त, वोल्ट आ रहा है बट क्या है, इसके हम लोड कैसे चेक करेंगे, करंट का मेजरमेंट कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले देखें, नॉर्मल आप मल्टीमीटर लें और इसको डीसी वोल्ट पे रखें। मैं यहीं पे रखता हूँ दोस्त, डीसी पे लगा दिया। आप देख सकते हैं ये डीसी का सिंबल है और ये एसी का सिंबल है, ठीक है। बाकी यहाँ से सब क्या है दोस्त, रेसिस्टेंस, उसके बाद माइक्रो वोल्टेज मतलब बहुत छोटा वोल्टेज नापने के लिए, फिर एम्पियर मीटर, ऐसे ही इनका सब कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी मेरे को क्या है, डीसी वोल्टेज मेजरमेंट करना है। सबसे पहले देखें, इसका जो रेड वाला है इसका प्लस वाले पे लगाना है, तो मैं एक कनेक्टर लगा देता हूँ। अभी देखें इसका प्लस वाला कौन सा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ। अभी देखें आप मल्टीमीटर में देख रहे होंगे, ये 11 वोल्ट बता रहा है, मतलब ये बैटरी क्या है 11 वोल्ट बता रहा है, यानी 12 वोल्ट में थोड़ा सा ये कम है। तो इसका वोल्ट भी कम है, लेकिन दोस्त इस बैटरी के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। तो इसका हम लोड को टेस्ट कैसे करेंगे, बिना इस पे लोड दिए इसका एम्पियर मीटर को हम नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है दोस्त, एक अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, ये इलेक का एक बैटरी टेस्टर आता है इस तरीका से। इसको देखो किस तरीका से टेस्ट करना है, इसके अंदर क्या है देखें, दो प्रकार का ये डला हुआ है, इसको जो भी बोलें बैटरी में लगाने वाला ही कनेक्टर है। देखिए इसको सबसे पहले क्या करें, आप प्लस वाले पे लगाएं, इसको माइनस वाले पे लगाएं। लगाने के बाद अगर इसमें पावर रहेगा ना दोस्त, तब क्या होगा, इसमें अपने ऑटोमेटिक लाइट ग्लो हो जाएगा। अभी देखें इसमें कुछ भी एम्पियर ही नहीं है, ना लाइट ग्लो हो रहा है। और इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन, अगर पीला आ गया तो समझो कि बैटरी डेड है, इसको चार्ज करने की ज़रूरत है। अगर रेड आ गया तो बैटरी बिल्कुल ही ख़त्म है, ग्रीन आए तो बैटरी ओके। अभी देखें प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है, डेड, यानी इस बैटरी के अंदर करंट बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ वोल्ट बता रहा है 12 वोल्ट, करंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यूपीएस की बैटरी को क्या है, घर पे इस तरीका से टेस्ट कर सकते हैं दोस्त। अगर आपको लगे कि मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ, तो देखें मैं आपको एक चीज़ और तसल्ली कर देना चाहता हूँ कि देखें, ये हमारे पास, मैं एक केबल को निकालता हूँ, कोई सा भी केबल लेता हूँ, जैसे देखें ये केबल है, अगर इस दोनों कनेक्टर को आपस में टच करेंगे तो बैटरी रहने से क्या है, स्पार्क करना चाहिए। देखें मैं आपको सब कुछ लाइव ही दिखाता हूँ दोस्त, ये ना लगे कि मैं फर्जी। देखें ये देख रहे हैं, बिल्कुल भी इस बैटरी के अंदर करंट नहीं है। अगर करंट नहीं है तो आपका ऑनलाइन यूपीएस वोल्ट तो बताएगा, बट उसके अंदर करंट नहीं है तो आपका यूपीएस ऑन नहीं होगा। अगर मान लो 16 बैटरी का बैंक है, उसको एम्पियर नहीं मिल पाएगा तो बैटरी ऑन नहीं होगा। तो अगर कभी भी कोई यूपीएस अगर बैटरी का मैसेज देता हो, अगर लगे वोल्ट ठीक है, तो पूरे बैटरी को आप खोलें, खोल के आप इस तरीका से लोड तो नहीं दे सकते, एक बार आप थोड़ा सा डायरेक्ट, क्योंकि दोस्त प्लस माइनस को टच करने से क्या है, बैटरी का लाइफ ही ख़त्म होता है। ऐसा ना करें, आप ऐसा वाला लोड टेस्टर ही खरीदे दोस्त, ये बहुत अच्छा है, इलेक का है बैटरी टेस्टर, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसके अंदर दो बता दिया मैं टेस्ट कैसे करना, यही वाला खरीदें। इससे बहुत कोई भी बैटरी को आप चेक कर सकते हैं दोस्त, 12 वोल्ट की कितने एच की बैटरी है इस पर आप चेक कर सकते हैं, 180 AH, 200 AH की बैटरी चेक कर सकते हैं। बट इसमें सेफ्टी थोड़ा यही रखना, जो ज़्यादा एच की बैटरियाँ हो उसको, इसको लगाने के बाद तुरंत सिंगल क्लिक करके, यानी कि इसको धीरे धीरे दबा के नहीं रखना है दोस्त, क्योंकि इसको दबाने से क्या है ना, इसका वोल्टेज पूरा इसका सर्किट में वो होता है, तो ज़्यादा एम्पियर रहने से इसको जला सकता है। तो आप थोड़ा तुरंत दबाएं, छोटी बैटरी हो तो थोड़ा देर दबा के रख सकते हैं, ये तुरंत ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन लाइट आ जाएगा। तो आप इस तरीका से क्या है, यूपीएस की बैटरी को टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।